हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। एकता कपूर के सुपरहिट शो की लीड एक्ट्रेस को हुई गंभीर बीमारी। एक्ट्रेस ने कहा दुआ करो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एकता कपूर के शो की एक्ट्रेस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने फैन से कहा है कि उनके लिए प्रेयर्स की जाएं। किन की बात कर रहे हैं हम, आइए जानते हैं टेली टॉकीज किस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए चलते हैं अब खबर की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि पॉपुलर टीवी शो नागिन 6 की एक्ट्रेस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुद ही बताया कि ना ही वो ढंग से खा पा रही हैं, ना ही आम जिंदगी का लुत्फ उठा पा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं शिखा सिंह की। जी हाँ, उन्होंने नागिन 6 में रिद्धि शर्मा का किरदार निभाया था। फिलहाल उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्हें 2 महीने से एक अजीब बीमारी हो रखी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने हेल्थ के बारे में पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि उनको 2 महीने हो चुके हैं, वो अपने बेड से उठ तक नहीं पा रही हैं। एक अजीब तरीके की स्किन एलर्जी हो चुकी है उन्हें और उसकी वजह से उनका ऑटो इम्यून कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। शिखा अभी मेडिकेशन पर हैं और वो ढंग से खा पी भी नहीं पा रही हैं। लिक्विड और खिचड़ी पर उन्हें डिपेंड करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एक्ट्रेस को 1 महीने बाद थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। ऐसे में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने नैरोबी चली गई और उसके बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। साथ ही शिखा ने यह भी बताया कि उनके पति पायलट हैं, जिस वजह से उन्हें घर में अकेले रहना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करती हैं अपने आप को। अपनी बच्ची से भी वो ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको स्किन एलर्जी है और इस चीज़ का उनके दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। शिखा ने बताया कि वो काफ़ी असहाय महसूस करती हैं। डॉक्टर भी बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, लेकिन वो रेगुलर खाना नहीं खा पा रही हैं। शिखा ने पहले कहा कि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी इस बारे में बताएं, लेकिन इतने बड़े शहर में अकेले रहते हुए अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लोगों को बताया। शिखा ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पोस्ट पैंडमिक लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजर रहे हैं, काफ़ी बीमारियां हैं जिनसे लोग परेशान हैं और ऐसे में उन्हें चाहिए कि लोग उनको सपोर्ट करें, उनको प्यार दें। साथ ही शिखा ने यह भी कहा कि एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लगती है, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है। उनकी एक अलग रियलिटी भी होती है और उनकी एक अलग सफरिंग भी होती है। शिखा ने कहा बस वो यही बताना चाहती हैं लोगों को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अंडर मेडिकेशन है और वो उम्मीद करती हैं कि वो जल्द ही ठीक होकर अपने रेगुलर लाइफ में वापस आ जाएंगी। हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि शिखा सिंह जल्द ही ठीक हो जाएं और उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाए। आप अपनी प्रेयर्स कमेंट सेक्शन में उनके लिए डाल सकते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री की तमाम खबरों के लिए फॉलो करें टेली टॉकीज़ को। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।